रोड है, ये पहले भी दिया था ना निवेदन आवेदन। हाँ, हमारा घर डिलीवरी केस है, वो एम्बुलेंस फसल ये एम्बुलेंस आपकी ही जा रही है? हमारा यही लेने का आयो में। अच्छा, अगर नहीं गई तो 4 मिनट अगर लेट होगा पेशेंट भी जान जा सकती पेशेंट की। मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर सरकार कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सभी दावों की पोल खोल रहा है। आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार नेता इस पर सबक न लेकर सिर्फ बयानबाजी पर ही ध्यान दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की, जहाँ बुधनी के फेरुंदा में एक एम्बुलेंस कीचड़ बन चुकी सड़क में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से खींचा गया। बारिश की वजह से प्रदेश में सड़कों के हाल बद से बदतर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सीहोर जिले के बुधनी में विकास और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों की पोल खुल गई। दरअसल ग्राम पंचायत छापरी के अंतर्गत कादलिया मार्ग में एक मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस घटिया सड़क में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जा सका। अब सोचिए कि इसी सड़क से रोज जब ग्रामीण निकलते होंगे तो उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में उन्होंने कई बार आवेदन किया, लेकिन रोड का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। तो वहीं मामला जब सीएम शिवराज की विधानसभा क्षेत्र का हो तो कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली है। सुनिए घटिया सड़क को लेकर क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का। देखिए, वस्तुस्थिति है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर है। प्रदेश में कहीं अगर राजनीतिक मंचों पर वो अगर होते हैं तो वो कहते हैं कि बुधनी की सड़कें सबसे बेहतर है। और मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उसके माध्यम से मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दर्शाया गया है, देखा गया है लोगों ने कि किस तरीके से, और वो पोस्ट आज की है, किस तरीके से एक गर्भवती महिला को लेने जब एम्बुलेंस जाती है तो वो फंस जाती है उस रास्ते में, जहाँ वो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी ग्राम का सड़क है, और वहाँ पर एक ट्रैक्टर से टोचन करके एम्बुलेंस को लाया जाता है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमारी एम्बुलेंस फंस गई है। निश्चित तौर पर सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री जी का जो विकास है, छोटा विकास है, तथाकथित विकास है, यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भला हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ग्रामीणों के आवेदन पर शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान देते हैं, क्या ग्रामीणों को भी अच्छी सड़क की सुविधा मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर अभी भी इस ओर जिम्मेदारों ने ध्यान ना दिया तो बीमार शख्स को एम्बुलेंस कैसे अस्पताल ले जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फेरुंदा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।